हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी किचन यानी श्वेता की किचन में। आज हम बनाएंगे आलू और चने की दाल की टिक्की। देख लेते हैं उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए। ये मैंने बॉयल आलू लिए हैं और इनको मैंने कद्दूकस कर लिया, या आप इसको हाथ से भी कर सकते हैं। और ये मैंने चने की दाल ली है, ये मैंने एक कटोरी ली है, इसको आधे घंटे पहले भिगो दिया था और इसको मैंने बॉयल कर लिया, यानी एक ही सीटी लगाई है मैंने। और ये ब्रेड क्रम्स है। आइए अब देख लेते हैं और क्या क्या सामान चाहिए। ये है कॉर्नफ्लोर, यानी इसको अरारोट भी बोलते हैं ये। और ये नमक स्वाद के अनुसार, ये चाट मसाला, ये लाल मिर्ची पाउडर और ये गरम मसाला। आइए अब इसको बनाते हैं। देखिए मैंने एक बाउल ले लिया है, अब इसके अंदर ये मैं आलू डालूंगी और इसके बाद ये मैं ब्रेड क्रम्स डाल दूंगी और इनको अच्छे से मिक्स करूंगी कि आलू और ब्रेड क्रम्स अच्छे से मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स देखिए मैं इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ, यानी चम्मच से ही अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होंगे तो इसलिए मैं हाथों से मिक्स कर रही हूँ। तो आप भी हाथों से मिक्स करें तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए उसके बाद मैं कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ, यानी इसको अरारोट बोलते हैं। ये मैंने एक बड़ी चम्मच लिया है, अब इसको भी मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी इसके अंदर। ये बाइंडिंग के लिए होता है कि जो हमारी टिक्की होती है वो टूटती नहीं है। फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, अब इसके बाद मैं सारे मसाले डालूंगी इसके अंदर। फ्रेंड्स देखिए, ये मैं चाट मसाला डाल रही हूँ, ये मैं एक चम्मच ले रही हूँ, एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच ये गरम मसाला और एक चम्मच नमक। आप नमक अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं, कम या ज्यादा। अब इनको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी। फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने अच्छी तरीके से मसाले मिक्स कर लिए। अब मैं चने की दाल डालूंगी। ये देखिए मैं चने की दाल डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है कि दाल हमारी टूटे ना। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये एक डो की तरह तैयार हो गया है। हमें इसी डो की तरह तैयार करना है। अब मैं थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी इसके ऊपर। ये देखिए मैं ऑयल लगा रही हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, ये डो हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इसकी टिक्की बनाऊंगी। फ्रेंड्स देखिए, मैंने हाथों में थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लिया है। अब मैं इस तरीके से एक डो तैयार करूंगी। ये देखिए, यानी एक बॉल तैयार करूंगी। और ये मेरे पास ये टिक्की स्टैंड है, तो मैं इसके अंदर इस तरीके से ऐसे भरूंगी। ये देखिए, फ्रेंड्स ये देखिए, ये एक टिक्की स्टैंड है, तो मैंने इस तरीके से इसके अंदर ये बैटर भर दिया, यानी टिक्की का। ये देखिए, और ये इससे बहुत आसानी से निकल जाती है और इसका शेप भी बहुत अच्छा आता है। इस तरीके से हल्के हाथों से इसको प्रेस कीजिए। ये देखिए, चारों तरफ से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से प्रेस कीजिए। ये देखिए, ये इस तरीके से निकल जाती है और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी टिक्की बनी हुई है। इसी तरीके से मैं सारी टिक्की बनाऊंगी और एक मैं आपको हाथ से बना के दिखाऊंगी। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप हाथ से भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने डो ले लिया, यानी कि एक बॉल ले लिए और इसको इस तरीके से मैं हाथ से गोल करूंगी और ये इसको हल्के से इस तरीके से चपटा करूंगी और ये अपने किचन के प्लेटफॉर्म पे इसको इस तरीके से ऐसे रोल करती हुई ऐसे घुमाऊंगी जिससे इसको एक टिक्की की शेप मिल जाए। ये देखिए, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपको इस तरीके से गोल गोल घुमाना है तो ये आसानी से बन जाती है। ये देखिए, आप इसको भी देख सकते हैं कि ये भी बिल्कुल टिक्की की शेप में बिल्कुल बहुत अच्छी बन गई है। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास स्टैंड हो आप उससे बनाएं, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब मैं इनको शैलो फ्राई करूंगी और अपनी सारी टिक्कियां ऐसे ही। पैन ले लिया और उसके अंदर मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया। अब मैं गैस ऑन कर दूंगी और ऑयल को मैं अच्छे से गर्म होने दूंगी। फ्रेंड्स देखिए, हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें बिल्कुल धीरे धीरे हाथ से, ये देखो ये टिक्कियां रख रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैं 2-2 टिक्कियां सेकूंगी। आप चाहे डीप फ्राई करें या शैलो फ्राई करें, मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। फ्रेंड्स देखिए, अब मैं बिल्कुल हल्के हाथों से इसको इस तरीके से पलटूंगी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है और इसको हमें हाई फ्लेम पे ही सेकना है। ये देखिए आप कितनी अच्छी हमारी टिक्कियां सिक रही हैं। ये देखिए,
इसी तरीके से मैं नीचे से भी सेकूंगी इसका हल्का गोल्डन ब्राउन कलर। फ्रेंड्स ये देखिए ये अब हल्की हल्की पक चुकी है, तो मैं अब इसका हल्का सा लो फ्लेम कर रही हूँ। फ्रेंड्स देखिए हमारी टिक्की कितनी अच्छी तरीके से सिक चुकी है, ये देखिए मैं आपको दोनों तरफ से दिखा दूँ कितना अच्छा कलर आया है इनका। ये देखिए पहले मैंने हाई फ्लेम पे सेका इनको, फिर मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट सेका है। अब ये टिक्की सिक चुकी है, तो अब मैं इनको निकाल रही हूँ और इसी तरीके से मैं दूसरी टिक्कियां सेकूंगी। ये देखिए मैं इसी तरीके से निकाल रही हूँ। फ्रेंड्स देखिए मैंने ये डाल दिए टिक्कियां, यानी मैंने अपना दूसरा बैच भी डाल दिया। ये देखिए अब इनको भी मैं थोड़ा हाई फ्लेम पे सेकूंगी, फिर बाद में इनका भी मीडियम फ्लेम कर दूंगी। फ्रेंड्स देखिए मैं इनको भी इस तरीके से पलट रही हूँ, ये देखिए इनका भी कलर कितना अच्छा आ चुका है। ये देखिए बिल्कुल आप धीरे आहिस्ता से पलटे, और अब मैं इसको मीडियम कर दूंगी फ्लेम को, और इसको अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे पकने दूंगी। फ्रेंड्स ये देखिए हमारी टिक्कियां बनके बिल्कुल तैयार हैं, तो अब मैं गैस बंद कर रही हूँ और इनको गर्मा गर्म सर्व करूंगी। देखिए फ्रेंड्स मैं इसको इस तरीके से निकाल ले रही हूँ कि इसका सारा ऑयल इसके अंदर निकल जाए। ये देखिए देखिए फ्रेंड्स ये मैंने टिक्कियां निकाल ली है, अब मैं इनको गर्मा गर्म टिक्की तैयार है और मैंने इनको सर्व कर लिया। ये थोड़ा सा मैंने पुदीना लगा दिया है डेकोरेशन के लिए, और ये हरे धनिया और पुदीने की चटनी है, तो आप इसके साथ सर्व करें, ये बहुत टेस्टी लगती है। और मैं एक आपको तोड़ के दिखा दूं, ये देखिए अंदर से कितनी अच्छी और कितनी यम्मी बनी हुई है, ये देखिए। और अगर आपको मेरी टिक्कियां पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।